हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6th चैप्टर होगा एंशियंट हिस्ट्री का, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ये आपका मैप हो गया पहले, जो मैप का दिया हुआ है मेजर बुद्धिस्ट साइट्स, ठीक है। तो ये सब देखेंगे बाद में, पहले थ्योरी वगैरह देख लेते हैं। तो बुद्धिज्म से स्टार्ट करेंगे पहले। तो बुद्धिज्म इज़ अ हेट्रोडॉक्स ट्रेडिशन, एक हेट्रोडॉक्स ट्रेडिशन था, सेक्ट कह सकते हैं, इन पोस्ट वैदिक एज। वैदिक पोस्ट वैदिक एज मतलब वैदिक एज के बाद जो आपकी उभर कर सामने आता है। तो फाउंड किया गया सिद्धार्थ गौतम के द्वारा। तो मैंने पढ़ा था कि वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में किस तरीके से ब्राह्मणिज्म का ये हो गया था, स्ट्रॉन्ग होल्ड स्ट्रेंथेन हो गया था उनका पोजिशन, काफ़ी रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइसेस वगैरह बढ़ चुके थे। तो उन सभी के अगेंस्ट एक हेट्रोडॉक्स ट्रेडिशन के रूप में उभर कर आया था बुद्धिज्म, सिद्धार्थ गौतम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। तो कॉजेज ऑफ ओरिजिन का कारण क्या था कि एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड वैदिक रिचुअल एंड सुपरस्टिशन। तो वैदिक रिचुअल एंड सुपरस्टिशन जो था हो चुका था वो काफ़ी महंगा और कॉम्प्लिकेटेड था, वो सभी के वश की बात नहीं थी उसको, उन रिचुअल्स को करना या उन सुपरस्टिशन को मानना। हाईली फिलोसफिकल टीचिंग ऑफ उपनिषद का जो टीचिंग था वो हाईली फिलोसफिकल था। रिजिड कास्ट सिस्टम हो चुका था, सोसाइटल अनरेस्ट हो चुका था, हमने पढ़ा था कि कैसे ब्राह्मणों का ये था डोमिनेंस हो चुका था, एस्टैब्लिश हो चुका था। शूद्रों की हालत बहुत ख़राब थी, वैश्यास की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, वो लोग व्यापारी थे, टैक्स वगैरह पे करते थे, लेकिन समाज में जो एक स्टेटस होता है वो अच्छा नहीं था उनका। तो ये एक सोशल अनरेस्ट बन चुका था, ठीक है। तो बुद्धिस्ट को एस्टैब्लिश करते हैं। बुद्धा कौन होगा, वन हुआ अटेंड सल्वेशन, जिसने सल्वेशन को अटेंड कर लिया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हो गई है, एंड ही इज न्यूक्लियस ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के न्यूक्लियस का सेंटर होगा। बुद्धिस्ट कौन होंगे, बुद्धिस्ट फॉलोअर ऑफ बुद्धा, बुद्धा को जो मानने वाले बुद्धिस्ट कहलाएंगे, और रिलीजन बन जाएगा बुद्धिज्म, ठीक है। तो बुद्धाज लाइफ एट अ ग्लांस देखते हैं। तो फादर कौन थे सिद्धार्थ गौतम के, सुद्धोधन किंग ऑफ शाक्य क्लैन ऑफ कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु के शाक्य क्लैन, शाक्य वंश के राजा थे शुद्धोधन, ठीक है। उनकी शादी होती है महामाया शादी होती है, और फिर जो बेटा होता है सिद्धार्थ गौतम। महामाया एक्चुअली क्या होती है, डाइड आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद ही, सिद्धार्थ गौतम के जन्म के बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और फिर गौतमी जो कि आंट थी इनकी, स्टेप मदर बनती है, ठीक है। बॉर्न एट लुम्बिनी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में 563 BC में। फिर इसकी शादी कर दी गई यशोधरा जो कि शाक्य क्लैन की राजकुमारी थी। फिर इनका एक बेटा होता है राहुल, और जो गौतम बुद्ध थे सिद्धार्थ गौतम, ये 29 साल की उम्र में अपना घर बार त्याग देते हैं, और इस इंसिडेंट को, इस घटना को कहा जाता है महाअभिनिष्क्रमणा। क्या कहा गया, घर बार त्यागने को महाअभिनिष्क्रमणा कहा गया। फिर वो 6 साल स्पेंड करते हैं एसेटिक लाइफ, साधु संत की लाइफ स्पेंड करते हैं, ठीक है। टुक नॉलेज फ्रॉम टीचर्स, अलग अलग टीचर्स से ज्ञान लेते हैं। पहले टीचर्स हैं अलारा कलाम टॉट मेडिटेशन एंड उपनिषद, तो मेडिटेशन एंड उपनिषद का ज्ञान दिया। फिर दूसरे थे उद्दक रामपुत्रा, ठीक है। इन्होंने क्या सिखाया, स्टार्टेड तपस्या विद 5 ब्राह्मण्स, उसके बाद ये 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या की शुरुआत करते हैं। गया में, कहाँ पे, गया में। फिर वहीं पे सुजाता इसे खीर ऑफर करती है, घटना आपने पढ़ा होगा, खीर ऑफर करते हैं, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आफ्टर 7 डेज एट वैसाख पूर्णिमा, 7 दिन के बाद वैसाख पूर्णिमा के दिन ही अटेंड सुप्रीम नॉलेज, 4 आर्य सत्य के इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। फाइनली सल्वेशन इनको मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, एंड बुक बिकम बुद्ध तथागत, क्या बन जाते हैं, बुद्ध तथागत बन जाते हैं, दैट इज मृगदव, मृगदया, ऋषि पटना एंड ऋषि पटना भी कहा गया इनको। फिर ये पहला सरमन देते हैं, अपना पहला भाषण देते हैं कहाँ पे, सारनाथ में, जिसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ संघ वर्णास का इस्टेब्लिश करते हैं, संघ वर्णास को। फिर टीचिंग एंड प्रीचिंग फेज उनका चलता है, उसके बाद लास्ट में कोसी नारा और कोसी नगर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे कहा गया महापरिनिर्वाण। तो ये उनका लाइफ हो गया इनका एट अ ग्लांस। अगर फॉर्म्स ऑफ बुद्धा देखें, बुद्धा का अलग अलग फॉर्म है, तो पहला है सम्यक संबुद्धा, सम्यक संबुद्धा मतलब
ही इज द प्रिंसिपल बुद्धा। ये कौन है? प्रिंसिपल बुद्धा है हू हैज अटेन इनलाइटमेंट एंड गाइड अदर्स टू अटेन सल्वेशन। जो क्या करेंगे, जिन्होंने इनलाइटमेंट अटेन कर लिया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और दूसरों को गाइड करेंगे टू अटेन सल्वेशन। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो पहले बुद्धा थे वो थे तन्हाकारा फर्स्ट, 27 थे कश्यपा एंड 28 थे गौतमा। फिर एक तरह का बुद्धा होते हैं प्रत्येक बुद्धा, मतलब इंडिपेंडेंटली अचीव सल्वेशन, जिन्होंने इंडिपेंडेंट रूप से सल्वेशन अचीव किया है। ही डज नॉट टीच और गाइड, ये कोई किसी को टीच और गाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरे हैं ध्यानी बुद्धा, मतलब विस्डम बुद्धा। दे आर 5 इन नंबर, टोटल 5 ध्यानी बुद्धा हैं, इसलिए कहा गया 5 तथोगत तथा गुतास। जैसे कि वैरोचना, वैरोचना इन्हें कहा गया द इल्यूमिनेंट, टीचिंग द धर्मा, धर्मा पढ़ाते हैं। अमोघ सिद्धि, इनफैलिबल पावर और विश्वपाणी कहा गया इन्हें। ठीक है, अमिताव, ये बाउंडलेस लाइट बुद्धा ऑफ हेवन कहा गया। रत्न संभव, ये रत्न पानी, ये जेम बिंग कहा गया इसे। फिर अक्षो भया, दैट इज अनसेकेबल फियरलेस कहा गया। तो ये 5 आपके विस्डम बुद्धा थे, तो सम्यक संबुद्धा, प्रत्येक बुद्धा और ध्यानी बुद्धा। फोर्थ आपके आधि बुद्धा, ऑल्सो नोन एज धर्म, धर्म के बुद्धा। ही इज द वन इटर्नल, दैट इज प्राइमोडियल बुद्धा माना गया। ही इज प्रोमिनेंट इन वज्रयान बुद्धिज्म, वज्रयान बुद्धिज्म में इसे परमानेंट प्रोमिनेंट माना गया आदि बुद्धा को। ठीक है, वैरोचना, वज्रधारा और वज्र सत्व, ये आपका आते हैं वज्रयान बुद्धिज्म। फिर फ्यूचर बुद्धास, फ्यूचर बुद्धास जैसे कि मैत्रिया, करेंटली रिसाइडिंग इन तुषिता हेवन, हु विल डिसेंड टू अर्थ टू प्रीच धर्मा व्हेन टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा हैव कम्प्लीटली डिकेड। जब गौतम बुद्धा का टीचिंग कम्प्लीटली डिके हो जाएगा तब ये धरती पर आएंगे और फिर ज्ञान देंगे। ठीक है, ये होगा फ्यूचर बुद्धा। फोर साइंस और इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट रेनाउंसिएशन ऑफ सिद्धार्थ गौतम। तो सिद्धार्थ गौतम की लाइफ से जब वो घर बार त्याग कर रहे थे, रेनाउंसिएशन कर दिया, तो 4 इवेंट रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जब वो घर से बाहर निकल चुके थे तो उन्हें 4 आदमी दिखाई दिए, एक ओल्ड मैन दिखाई दिया बूढ़ा मैन, एक सिक मैन दिखाई है बीमार इंसान, एक कॉप्स दिखाया, लाश दिखाया गया, और एक साधु साधु दिखा उनको। ही कन्फ्रंटेड दीज सिचुएशंस विथ चैरिटर चन्ना एंड हॉर्स कंतक। तो जब इन सब के अलग अलग कंडीशन को देखा तो बातचीत की, जो साथ में उनके सारथी थे चन्ना, और हॉर्स का नाम था कंथक। ठीक है, मेजर इवेंट ऑफ गौतम बुद्धाज लाइफ, गौतम बुद्धाज लाइफ के जो मेजर इवेंट थे, जैसे कि अवक्रांति, अवक्रांति मतलब डिसेंट ऑफ बुद्धा, बुद्धा का जो डिसेंट हुआ उनकी माता के अंदर जब उनका ये होता है, तो ये जो सिंबल होगा इसका माया विथ एन एलिफेंट। तो एलिफेंट से याद रखिएगा, एलिफेंट को रिप्रेजेंट किया गया जब वो कंसीव करती है अपने माँ के अंदर, तो इस घटना को दिखाया गया है एलिफेंट के। ठीक है, जाति मतलब बर्थ, जो उनकी बर्थ घटना, जो उनका जन्म हुआ, तो ये दिखाया गया माया और लोटस, लोटस दिखाया गया। फिर महाअभिनिष्क्रमणा कहा गया उनके रिनाउंसिएशन को, घर बार त्याग दिया, तो उसमें दिखाया गया हॉर्स विथ मैन होल्डिंग एन अम्ब्रेला। तो एक घोड़े से एक इंसान है जो अम्ब्रेला लिए हुए हैं और साथ में एक घोड़ा है। ठीक है, इसको कहा गया। फिर विक्ट्री ओवर मारा, मारा विजया बुद्धा है ना, भूमि स्पर्श मुद्रा। तो मारा क्या, जब भगवान बुद्ध ये मेडिटेशन कर रहे थे तो मारा आता है और आती है इनके जो तपस्या को भंग करने के लिए, तो भूमि स्पर्श करते हैं और उसी को कहा गया भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, फिर संबोधि निर्वाणा, जो इनलाइटमेंट इन्होंने लिया था, जिसे कहा गया बोधि ट्री से रिफ्लेक्ट होता है। धर्म चक्र परिवर्तन, जो फर्स्ट सरमन दिया, कह सकते हैं फर्स्ट जो उन्होंने अपना ज्ञान दिया, वो उससे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और ये आपको कहाँ पे दिया, सारनाथ में। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं व्हील, चेंजिंग व्हील ऑफ लाइफ, लायन या डियर से। जो इनका डेथ हुआ जिस घटना को कहा जाएगा परिनिर्वाणा और महापरिनिर्वाणा, डेथ को इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्तूपा से। ठीक है, अब बात करते हैं फिलॉसफी। तो फिलॉसफी को बुद्धा में क्या, कौन सी फिलॉसफी है? तो बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है ना, इसे प्रोपगेट किया गया पहली बात गौतम बुद्धा के द्वारा। कोर फिलॉसफी क्या है बुद्धिज्म का? कोर फिलॉसफी ये है कि लाइफ एंड वर्ल्ड आर फुल ऑफ सफरिंग। जो लाइफ है, जो जिंदगी है, ये पूरी दुनिया है ना, आर फुल ऑफ सफरिंग, सफरिंग से पूरी तरह से भरा हुआ है। एंड इट डील विद द आइडिया ऑफ पुटिंग एन एंड टू सफरिंग, एंड इट डील विद आइडिया
पुटिंग एन एंड टू सफरिंग, सफरिंग का अंत कैसे होगा उससे ये डील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो कहते हैं कि डिज़ायर, डिज़ायर क्या कॉज करता है, सफरिंग, सफरिंग करते हैं, सफरिंग के कारण क्या है, डिज़ायर इच्छा, जिसे कैन बी एंडेड, इसे एंड किया जा सकता है कैसे, बाय फॉलोइंग अष्टांगिका मार्ग। तो आठ मार्ग बताएं, इन अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करके हम जो अपना दुख तकलीफ है, सफरिंग है, इसको दूर कर सकते हैं और फिर क्या होगा, फाइनली हमें सेल्वेशन भी मिल जाएगा। तो चार आर्य सत्य बनाए बताए इन्होंने, फोर नोवो त्रुथ। ठीक है, आर्य सच्चानी, दैट इज पहला उन्होंने सच बताया कि त्रुथ ऑफ सफरिंग, दुख, सबम दुखम, तो सबम दुखम सभी दुखी है, दुख एग्जिस्ट कर रहा है, त्रुथ ऑफ सफरिंग मतलब दुख है, ये एक सत्य है, ऐसा से कोई टाल नहीं सकता कि हर कोई सुखी नहीं हो सकता है, दुख हर किसी के जीवन में है, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बताया ट्रुथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, इस दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, उन्होंने कहा दुख समुदाय, जिसे कहा गया द्वादश निदान प्रतीत समुत्पदा। पहला सच क्या है कि दुख है, दूसरा सच कि दुख का कोई कारण भी है, उसे जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरा है कि ट्रुथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, क्या दुख खत्म हो सकता है, एंड ऑफ सफरिंग, तो बिल्कुल सो हो सकता है, इन्होंने ये भी कहा, दुख निरोध कहा, और ये कैसे हो सकता है, इसे कहा निर्वाणा। ठीक है, और जो चार चौथा सत्य था इनका, ट्रुथ ऑफ पाथ टू एंड सफरिंग, सफरिंग को खत्म करने का रास्ता क्या है, वो बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और ये रास्ता है अष्टांगिका मार्ग। आठ मार्ग बताए उन्होंने, इन रात को इन मार्गों को चल के आप दुख को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबम दुखम, प्रत्युत समुत्पदा, निर्वाणा और असांगिका मार्ग, ये चार इनके आर्य सत्य हैं। निर्वाणा इज एक्सटेंशन ऑफ डिजायर सोरो, निर्वाणा क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिजायर सोरो, एक्सटेंशन दुख से मुक्ति, स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट ब्लिस, एकदम मोह माया से दूर, दैट इज कॉल्ड निर्वाणा। ठीक है, फिर बुद्धिज्म के अंदर ही थ्री रत्न, एक मतलब दैट इज थ्री ज्वेल्स, तीन रत्न क्या क्या है, एक बुद्धा धम्मा संघ, बुद्धा मतलब स्टेटहुड आफ्टर निर्वाणा, निर्वाणा के बाद जो हमें मन स्थिति बनेगी उसे कहा जाएगा बुद्ध। तो अगर अगर किसी को भी निर्वाणा प्राप्त हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, बुद्ध बन जाएगा। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, धम्मा क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का बेसिक फिलोसफी क्या है, दैट इज कॉल्ड धम्मा। फिर मोनास्टिक ऑर्डर, संघ, संघ मतलब मोनास्टिक, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह रहते हैं, तो उसको क्या है, संघ कहा गया। ठीक है, बिलीव्ड इन डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसाइंस, मतलब क्या हुआ, ट्रांसाइंस की डॉक्ट्राइन बिलीफ था इनका, मतलब नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है इस जीवन में, कुछ भी अमर नहीं है, एवरीथिंग इज इन स्टेट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के स्टेट में हर कुछ चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो बुद्धिज्म रिजेक्टेड परमानेंस और इमोर्टेलिटी ऑफ सोल, जो परमानेंस का कंसेप्ट था उसको रिजेक्ट किया। ठीक है, और इमोर्टेलिटी ऑफ सोल, सोल जो है इमोर्टल है, अमर है, इसको रिजेक्ट किया। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ कंडीशन को प्रोडक्शन, और इन्होंने क्या विश्वास रखते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंडीशन को प्रोडक्शन, इट इज प्रत्येक समुद्रता, वन सेट ऑफ लाइफ लीड्स टू नेक्स्ट स्टेट, मतलब क्या हुआ कि कंडीशन को प्रोडक्शन है, आपका जो अगला वाला प्रोडक्शन होने वाला है, अगले स्टेज अपने लाइफ का स्टेज का, वो कंडीशनड है, मतलब आपके पहले वाले स्टेज से डिपेंड करेगा। तो वही बोला है कि वन सेट ऑफ लाइफ लीड्स टू नेक्स्ट स्टेज, आपके जीवन का जो एक हिस्सा होगा ना, वो वही फिर उसमें जो आप कर्म करेंगे वही आपको अगले स्टेज में ले जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि कैसा आपका अगला लाइफ होगा। बुद्धिज्म एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ संसारा, तो संसारा का जो आइडिया था इसको एक्सेप्ट करते ही है। ठीक है, तो आर्य सचानी, सचानी फोर नव त्रुट देख लिया हमने, दुख, वर्ल्ड इज फुल ऑफ, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, दुखों से भरा हुआ है दुनिया, कॉज ऑफ सोरो इज डिजायर, दुख समुदाय, दैट इज दुख का कारण क्या है, तो डिजायर इच्छा, इच्छा है तो दुख होगा, सोरो कैन बी पुट टू एंड, क्या सोरो आप उसको खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उसको निरोध भी है उसका। ठीक है, मीन्स टू इट सोरो इज एट फोल्ड पाथ, सोरो को खत्म करने का क्या जरिया है, दैट इज एट फोल्ड पाथ, दैट इज अष्टांगिका मार्ग। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया, एट फोल्ड पाथ टू एंड सोरो, दुख, तो वो क्या था, पहला है राइट बिलीफ, आपको राइट बिलीफ रखना है, विश्वास रखना है, फिर राइट थॉट, बिलीफ होगा फिर थॉट रखना है, आपका विचार सही होने चाहिए, राइट स्पीच, आपको अच्छे से बात करना है, बोलना है, राइट एक्शन। ठीक है, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, राइट रिकलेक्शन, राइट मेडिटेशन एंड राइट इंटीरियर,
तो ये क्या हो गया, आठ रास्ते हैं, आठ मार्ग हैं, आप इसको फॉलो करके अपने दुखों को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, निर्वाणा और निर्वाणा इज द फाइनल गोल, दैट इज सल्वेशन और मोक्षा कहा गया है निर्वाणा को। ठीक है, इट लिटरली मीन्स ब्लोइंग आउट और डाइंग आउट, मतलब ब्लोइंग आउट डाइंग मतलब सब कुछ मोह माया से मुक्ति हो गया। इट इज एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, डिजायर का जो फ्लेम है अग्नि है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद इट ऑल्सो रिफर्स डाइंग ऑफ कार्मिक फोर्स, जो कार्मिक फोर्सेज है ना वो खत्म हो जाता है, मतलब स्टेट ऑफ सुप्रीम ब्लिस, अब सुप्रीम ब्लिस हो गए, एकदम मुक्त हो गए दुनिया के मोह माया से। इट कैन बी अटेंड एनी वेयर एनी टाइम इवन इन फ्लैश, ठीक है, तो एक कभी भी इसको अटेंड कर सकते हो आप। थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म देख चुके हो ऑलरेडी, बुद्धा, और ये जो थ्री रत्नास है ये इमर्ज होता है, इमर्ज आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के डेथ के बाद। तो बुद्धा क्या है, सुप्रीम गाइड है। धम्मा टीचिंग ऑफ बुद्धा, संघा मोनास्टिक ऑर्डर, ठीक है। थ्री ट्रेनिंग्स और थ्री शिक्षा क्या है बुद्धा का, तो सील दैट इज मोर्टेलिटी, समाधि, मेडिटेशन एंड विस्टम, ठीक है। बुद्धिज्म रिजेक्ट्स थ्योरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, सोल का जो ये बोलते हैं कि ट्रांसमाइग्रेशन होता है उस पर कंसेप्ट से ये रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। सोल दैट इज बॉडी फर्स्ट, इनका मानना है कि बॉडी एंड्स, सोल माइग्रेट बॉडी टू एंड बॉडी थ्री। तो बुद्धिज्म रिजेक्ट्स परमानेंट सोल, तो ये परमानेंट सोल है तो इसको कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं। कर्मा सेप्स नेक्स्ट बर्थ नॉट द सोल, तो इनका कहना है कि जो कर्मा होता है आदमी का, कर्म होता है वो नेक्स्ट बर्थ सेप करता है, नॉट द सोल, ठीक है। बुद्धिज्म टॉक्स अबाउट थ्योरी ऑफ संसारा, तो संसारा की थ्योरी की पे ये बात करते हैं। इट संसारा, इट लिटरली मीन्स वंडरिंग, इट इज साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, संसारा मतलब साइकिल है लाइफ, जीवन और मृत्यु का साइकिल है। विच क्रिएट द डोमेन ऑफ सफरिंग, जो क्या क्रिएट करता है, सफरिंग, दुख का एक डोमेन क्रिएट करता है, स्पेस क्रिएट करता है जहाँ पे लोगों को दुख है, जो साइकिल हो रहा है लाइफ, जीवन और मृत्यु का। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट थ्योरी ऑफ कर्मा, और थ्योरी ऑफ कर्मा के बारे में बात करते हैं। एक्शन कुड बी मेंटल, एक्शन क्या हो सकता है, मेंटल हो सकता है, थॉट लेवल पे वर्बल हो सकता है, वर्ड्स लेवल पे फिजिकल हो सकता है, कैन बी आइदर गुड या बैड, अच्छा होगा या बुरा होगा। ऑल चेंजेस इन द यूनिवर्स आर गवर्न बाई कर्मा, तो यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में जो भी चेंज है, बदलाव होंगे वो कर्मा के आधार पर होंगे। स्टेट ऑफ ह्यूमन इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई कर्मा, तो मानव का जो स्थिति है, कंडीशन है, वो किसी में डिटरमाइन करेगा, वो डिसाइड होगा कर्मा से, उसका कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करेगी, ठीक है। प्रतीत समुत्पता, प्रतीय समुत्पता, ये हो गया आपका चेन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। अकॉर्डिंग टू इट द चेन और लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और चेन ऑफ कॉजेशन इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बुद्धिज्म विच डिस्क्राइब कॉजेज ऑफ सफरिंग, ठीक है, एंड कोर्स ऑफ इवेंट दैट लीड टू पासिंग थ्रू रिबर्थ ओल्ड एंड डेथ। ये बोल रहा है कि इसके अनुसार जो प्रतीय समुत्पता या चेन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, सब कुछ डिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, द चेन एक चेन की तरह बना हुआ है, और लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ठीक है, क्या है, चेन ऑफ कॉजेशन, एक फंडामेंटल कंसेप्ट है बुद्धिज्म के अंदर जो डिस्क्राइब करती है कि कॉजेज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण क्या है, एंड कॉजेज कोर्सेज ऑफ इवेंट, घटनाओं का क्या क्या कोर्स है, दैट लीड इट पासिंग थ्रू रीबर्थ, ओल्ड एज आता है, फिर डेथ होता है, फिर से बर्थ होता है, ये पूरा साइकिल है, ठीक है। यहाँ पर चेन दिया हुआ है, चेन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ठीक है, आपका यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि आपका बर्थ हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका चेन दिया हुआ है, कैसे डिपेंड करता है, यहाँ पे इग्नोरेंस है, फिर ये कार्मिक फॉर्मेशन है, देन कॉन्शियसनेस, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, माइंड एंड मैटर, सिक्स सेंस से जुड़ा हुआ है, कॉन्टैक्ट होगा, फिर फीलिंग्स आएगी, क्रेविंग होगा, अटैचमेंट होगा, बिकमिंग, देन बर्थ, देन डेथ, तो ये आपका क्या प्रोसाइकिल है, खैर इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट द नेचर ऑफ यूनिवर्स, नेचर ऑफ यूनिवर्स को भी प्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्स इज एन स्टेट ऑफ फ्लक्स, यूनिवर्स क्या है, फ्लक्स के स्टेट में है, कॉन्स्टेंट नहीं है, फ्लक्स ऑफ दुख, सौरों का फ्लक्स है। यूनिवर्स इज ट्रांजियंट भी है, ठीक है, अनिका, और उसी कहा गया अनंत भी है, मतलब यूनिवर्स इज सोललेस, मेड अप ऑफ मटेरियल थिंग्स। बुद्धिज्म इम्फोसाइज ऑन मेटा, संस्कृत मीन्स मित्र, बुद्धिज्म किसने जोड़ दिया, मेटा पे, संस्कृत का मतलब मित्र। इट इज अ पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल एम्ब्रेसिंग लव एंड बेनिवलेंस दैट हैज स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस टू फॉरगो सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रमोट वेलफेयर एंड हैप्पीनेस।
तो मेटा कंसेप्ट क्या है कि एक यूनिवर्सल हम भाईचारे और प्यार मोहब्बत को फैलाएं, एक स्ट्रांग विलिंगनेस हो लोगों के अंदर कि जो सेल्फ इंटरेस्ट को भूल कर वेलफेयर और हैप्पीनेस फैलाने की बात करें, ठीक है। बुद्धिज्म अपोज्ड रिचुअल्स, तो बुद्धिज्म ने क्या किया, रिचुअल्स को अपोज किया, सेक्रीफाइसेस को अपोज किया एंड सेरेमनीज, ठीक है, जो प्रिस्ट लोग परफॉर्म कर रहे थे ब्राह्मणिज्म में, उसे सबको अपोज किया, ठीक है। इट रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल वर्णा सिस्टम, जो ट्रेडिशनल वर्णा सिस्टम था इसे भी रिजेक्ट किया। इट पुट फॉरवर्ड फॉरवर्डेड एम न्यू वर्णा सिस्टम, एक नया वर्ण सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इन विच क्षत्रियज वेयर गिवन हायर स्टेटस देन ब्राह्मण, जहाँ पे क्षत्रियों को हायर स्टेटस दिया गया ब्राह्मण्स के कंपेरिजन में। बुद्धा नाइदर एक्सेप्टेड नॉट रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ गॉड, इन्होंने ना ही एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट किया द गॉड की अथॉरिटी को। ही रिमेंड साइलेंट ऑन दिस क्वेश्चन, इस पर ये इनका कुछ स्टेटमेंट नहीं था, चुप थे ये। नागार्जुन प्रेजेंटेड डॉक्ट्राइन ऑफ शून्यता, शून्यवाद, तो नागार्जुन क्या करते हैं, शून्यता, शून्यवाद की डॉक्ट्राइन को प्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी, इस फिलोसफी के अनुसार देयर एग्जिस्ट नथिंग, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड यूनिवर्स इज इल्यूजन, तो यूनिवर्स क्या है, एक इल्यूजन है, शून्य है सब कुछ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट काउंसिल, वो देखते हैं। पहला हुआ राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चार कुंडलवन कश्मीर, तो चार हुआ है अब तक बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला हुआ था राजगृह कब, 483 BC, सेकेंड हुआ वैशाली में लगभग 100 साल बाद 383 BC, और थर्ड हुआ पाटलिपुत्र में 250 BC, और फोर्थ हुआ कुंडलवन कश्मीर में 100 CE में। पहला अगर बात करें जो कि राजगिरी में हुआ था 483 BC में, अजातशत्रु उसके किंग थे। सेकेंड वैशाली 383 BC, इसके काला अशोक थे, सिसुनाग डायनेस्टी, यहाँ पे आपका हरियनका डायनेस्टी, सिसुनाग डायनेस्टी देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। थर्ड पाटलिपुत्र अशोका मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, और फोर्थ कुंडलवन कनिष्क आपका ये हो गया, ठीक है। जो पहले वाले को प्रिसाइड किसने किया था, महाकश्यप, सुत एंड विनय पिटाका वेयर कंपाइल्ड, तो पहले वाले में सुत और विनय पिटाका कंपाइल किया गया। विनय पिटाका वॉज कंपोज बाई उपाली एंड सुत पिटाका बाई आनंद, तो विनय पिटाका जो कंपोज किया गया वो किया गया उपाली के द्वारा, और जो सुत पिटाका किया गया वो किया गया आनंद के द्वारा, ठीक है। जो आपका सेकेंड वैशाली में हुआ इसे प्रिसाइड किया गया सबकामी के द्वारा, और यहीं पर क्या हुआ, फर्स्ट स्प्लिट देखने को मिला अस्थावीरवादिना, ठीक है, एंड महासंगिका ड्यू टू 10 disputed points इन विनय पिटाका, तो विनय पिटाका में कुछ 10 disputed points थे जिसके कारण से पहला स्प्लिट होता है अस्थावीरवादिना और महासंगिका के बीच में, ठीक है। जो तीसरा था पाटलिपुत्र वाला, यहाँ पे इसको प्रिसाइड किया मोगली प्रतिशा ने, और यहाँ पे अविदम पिटाका उसे कंपाइल किया गया। जो फोर्थ था इसे प्रिसाइड किया गया वसुमित्र के द्वारा, यहाँ पे डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीन यान एंड महायान, तो हीन यान और महायान के बीच में यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। ऑल डिलीवरेशंस वेयर इन संस्कृत, जो भी था संस्कृत में हुआ। फिफ्थ भी हुआ है कन्नौज में 643 AD में, हर्षवर्धन के टाइम में, और इसके प्रेसिडेंट थे ह्यूएन सांग, इट वॉज टू ऑनर ह्यूएन सांग, ह्यूएन सांग को ऑर्डर मतलब ऑनर देने के लिए किया गया था, और महायान बुद्धिज्म वॉज प्रमोटेड, यहाँ पे महायान बुद्धिज्म प्रमोट किया गया, ठीक है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट संघ, तो इस वीडियो में इतना ही लगता है, फिर इसके आगे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।